इधर मध्य प्रदेश के 184 स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। खतरे में करीब 9000 छात्रों का भविष्य है, क्योंकि स्कूलों की ओर से मान्यता को रिन्यू नहीं कराया गया था। इधर मान्यता रिन्यू करवाने को लेकर आदेश जारी किए गए थे, मापदंड में कमियों के चलते स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। करीब 9000 छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है और 184 स्कूल, आई रिपीट 184 स्कूल मध्य प्रदेश के, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। यहां करीब 9000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन अब उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। चलेंगे राजधानी भोपाल, एक बार फिर बात करेंगे सहयोगी अमितांशु जोशी से। अमितांशु, बड़ा फैसला सरकार का, 184 स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, 53 शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए, 9000 छात्र छात्राओं पर शिक्षा का संकट, ये दो बड़े फैसले सरकार के। देखिए, दो बड़े फैसले, जाहिर सी बात है। सबसे पहला फैसला जो 53 शिक्षकों को निलंबित किया गया है, देखिए लगातार जो है आज़ाद शिक्षक संघ के बैनर के तले जो है शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में जो है शिक्षकों का प्रदर्शन जारी था। हालांकि लोक शिक्षण संचालनालय ने उनको ये बात भी कही थी कि अगर वो लौटते नहीं है अपने काम पर तो उनको निलंबित किया जाएगा। देखिए, तिमाही परीक्षाएँ शुरू हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य है परीक्षाओं को लेकर वो खतरे में आ चुका था। और इसको लेकर स्कूली शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर 53 शिक्षकों को निलंबित किया गया। जबलपुर, रीवा और अलग अलग जिले हैं जहाँ से लिस्ट बनाकर पूरी निलंबन सूचियाँ जारी हुई है, तो बड़ी यहाँ पर कार्रवाई स्कूली शिक्षा विभाग की। दूसरी ओर जो है एक और कार्रवाई सरकार ने की है, यहाँ पर 184 स्कूलों की मान्यताओं को जो है वो रद्द कर दिया गया है। देखिए, हर साल जो है मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूली शिक्षा विभाग और सरकार मिलकर जो है आदेश निकालते हैं और मान्यताएँ बुलवाते हैं, आवेदन बुलवाते हैं। उसमें कई ऐसे आवेदन आए थे, लेकिन कुछ स्कूल थे जो कि मापदंड पर खरे नहीं उतरे। मापदंड पर खरे ऐसे नहीं उतरे कि उनमें जो है ढंग के कमरे नहीं थे, वर्ग फिट में नहीं बने हुए थे, छोटे कमरों में कक्षाएं लग रही थी, हवा के लिए निकासी द्वार नहीं था। ऐसे जो स्कूल संचालित हो रहे थे, इनकी मान्यताओं को लगातार जो है सरकार निरस्त कर रही थी। हालांकि पहले 600 स्कूलों के मान्यता के जो आवेदन उनको निरस्त किया गया था, बाद में अपील लगाई गई थी और उसमें अब 12 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसमें 184 स्कूलों की मान्यता को निरस्त कर दिया गया। मान्यता रद्द कर दी गई है। अमृतांशी लगातार बने रही है हमारे साथ में, एक बार फिर आपका रुख करेंगे।